महादेव की नगरी मोदी के रोड शो के लिए तैयार हो चुकी है। मोदी के रोड शो के लिए रथ तैयार हो चुका है। गलियां सज चुकी हैं, लोग टकटकी लगाकर अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ही घंटे में खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां मौजूद होंगे और हर ओर से एक ही आवाज सुनाई दे रही होगी, मोदी मोदी। काशी विश्वनाथ का मंदिर सज चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर खास तैयारी की गई है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, खास सजावट की गई है। इसके अलावा विशेष मंत्रोच्चारण से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर वाराणसी में खास तैयारी की गई है। विश्वनाथ मंदिर की जो गली है उसको भी खास तौर पर सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गुब्बारे हैं, ये विशेष रंग के हैं जिनको गलियों से पूरा ये भरा गया है। करीब 4.5 से 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और इसी तरीके से सारी गलियों से गुजरता हुआ काशी विश्वनाथ की जो गली है यहाँ पर आकर अंत होगा। देखिए ये तस्वीरें, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है। इस गेट को खास तौर पर यहाँ पर पीएम मोदी विजिट करेंगे और खास तौर पर फूलों से सजाया गया है। इधर मंत्रोच्चार से स्वस्ति वाचन करके पुष्प वर्षा करके हम लोगों को बोला गया है, तो हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे मंत्रों से। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को वह विशेष मंत्रोच्चार थोड़ा सा सुनाइए। वो मंत्रोच्चार स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति सुनाइए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ये मंत्रोच्चार से पुष्प वर्षा करके वाराणसी में रोड शो के लिए मोदी का स्पेशल रथ भी तैयार किया गया है। इस रथ को बनाने वालों के मुताबिक बनारस के रोड शो के लिए खास तौर पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर खास रथ तैयार किया गया है और न्यूज 18 इंडिया पर यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस रथ को लेकर, ये रथ है जो पीएम मोदी पर जो इस पे चढ़ के रोड शो करेंगे और ऐसे 2-3 रथ होंगे जिनमें से एक रथ पर पीएम मोदी चढ़ेंगे, बाकी आगे मीडिया की गाड़ी रहेगी, सुरक्षा की गाड़ी रहेगी। और देखिए किस तरीके का यह खास रथ तैयार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त इस रथ को तैयार करने वाली टीम के सदस्य मौजूद है। भैया ये बताइए इस रथ पर कौन चढ़ेगा? मोदी जी चढ़ेंगे, योगी जी चढ़ेंगे, वही दोनों लोग चलेंगे रोड शो में। ऐसे कितने रथ, कितनी गाड़ी तैयार की गई है? ऐसे 20-22 गाड़ी होंगी पूरे, मतलब हर स्टेट में 2-2 गाड़ी गई हुई है। अच्छा, ये सेम ये गाड़ी एक ही मौजूद है यहाँ पर कि इस तरीके की और गाड़ी मौजूद है? यूपी लखनऊ मुख्यालय में 2 गाड़ी हैं, एक ये एक ऑफिस में खड़ी हुई है। इस बार काशी बीजेपी की ओर से भोजपुरी भाषा में एक स्पेशल पैम्फलेट तैयार किया गया है। पैम्फलेट पर लिखा गया है, हमार काशी हमार मोदी। पीएम मोदी के रोड शो और नामांकन के बाद इस पैम्फलेट को पूरे बनारस में घर घर में बांटा जाएगा। मदन मोहन मालवीय चौक को सजाया जा रहा है, यहीं से पीएम मोदी रोड शो शुरू करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो करीब 5 किलोमीटर का होगा जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खत्म होगा। बीएचयू प्रवेश द्वार से रविदास गेट, 80 शिवालय, मदनपुरा, गोदौलिया होते हुए विश्वनाथ धाम के प्रवेश द्वार संख्या 4 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। करीब 6 किलोमीटर के रोड शो में लघु भारत और उत्तर प्रदेश की संस्कृति दिखेगी। इस पूरी दूरी को तय करने में करीब 3.5 घंटे लगेंगे। 300 मीटर से 400 मीटर की एक बीट बनाई गई है। इस तरह से 5 किलोमीटर के रास्ते में कुल 11 बीट बनाई गई है। हर बीट का इंचार्ज एक एक जन प्रतिनिधि को बनाया गया है।
2014 और 2019 के चुनावों के बाद ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए वाराणसी के लोगों के बीच में मौजूद हैं और सूरज की तपिश को मात देते हुए वाराणसी की जनता के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है।